खमागणी टू ऑल एंड वेलकम बैक टू टुडेज़ ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शोभा भाई सास फैमिली में। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड कॉमेंट करना मत भूलना। चुप हो जाओ तुम, दलिया मत डालो रे लड़कियों। मैं ऐसे सो रही थी और ये मेरे ऊपर बैठ गया। अच्छा ओह माय गॉड, अच्छा इतने जोर जोर से जंप कर रहे हो। ओ भाई अच्छा मम्मा को हाँ क्या हुआ? अच्छा मेरी कमर टूट जाएगी। अच्छा मेरी कमर टूट जाएगी। अर्जू ये डंडा दिखाओ, डंडा डंडा दिखाओ। नन्ना का है, नन्ना अच्छू का नन्ना का है, दिखाओ। चौथा शाह इधर आओ अर्जू। अच्छू पटको मत पड़ जाए। अच्छा गौर गट्टी कर लो, गौर गट्टी गौर गट्टी। सो जाओ अब सो जाओ। ये सो गया अच्छू, अच्छू तो जा गया। बटको मत मर जाए अच्छू। डिंग डिंग लक लक, डिंग डिंग लक लक, डिंग डिंग अच्छा डिंग डिंग लक लक, डिंग डिंग लक लक कर लो, डिंग लक लक। अरे भाई मत गटा वे अर्शु, डिंग लक लक करो, डिंग लक लक, डिंग लक लक, डिंग डिंग लक लक। कैसे करते हैं, कैसे करते कानू? ओ कानू अर्शु सो जाओ बेटा। कितना समझदार है अर्शु, बोलते ही सो जाता है ना। अच्छू बहुत अच्छा बच्चा है, सबसे अच्छा बच्चा है अर्शु। अर्शु मम्मा कहाँ है? अर्शु की अर्शु मम्मा कहाँ है? मम्मा अर्शु मम्मा कहाँ है? मम्मा कहाँ है? ले लिया, दिखा दिया ना तूने इसको, फिर तो लेगा ही ये। ले यारी अर्शु पूरा बॉक्स उठा लाए बेटा, पूरा बॉक्स उठा लाए आप तो। पर वो अभी तो वो रोएगा, उसको दिखा दिया ना तुमने। अर्शु क्या खा रहे हो? गंदा 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 है वो, गंदा नो नो गंदा। अच्छा गंदा है बेटा, गंदा गंदा है, उसको अंदर रख दो, अंदर रख दो। नो 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 नहीं, ले 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 परी वापस रख। अर्शु अर्शु पिटाई करो। मुझे डरा रहा है, मुझे डरा रहा है, पिटाई करो। पिटाई करो। मम्मा कैसे डरा रही है अर्शु को, कैसे डरा रही है मम्मा, ऐसे डरा रही है। अंदर रख दो, ने 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 एक ही जाती है ने ने। अच्छा मुझे मारेगा। और परी अपनी ऑनलाइन क्लास ले रही है, अभी वो नहा कर आई है और जस्ट नहा कर आते ही उसकी क्लास स्टार्ट हो गई है। तो अभी अपनी फर्स्ट क्लास ले रही है, उसकी 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ऑनलाइन क्लास चलती है। बटूरे बटूरे आप तो बोले छोले बटूरे, छोले बटूरे क्या है? छोले बटूरे, छोले बटूरे बनेंगे आज हमारे घर पे, छोले बटूरे।
क्या बनेंगे अर्जु? टोटी। टोटी? ऐसे बोलो। टोटी नहीं, छोले। छोले भटूरे। अर्जु बोलो। छोले भटूरे। अर्जु बोलो। बादे। बादे। बता। अरे चूचा चूचा कहाँ से याद आ जाता है आपको? क्या दिल करे चूचा चूचा चा, क्या दिल करे चूचा चूचा चा। आप भी कहो अर्शु। दीदा। अच्छा चूचा, सुनो ये क्या है अर्शु? ये क्या है? क्या है ये? किसकी बैंकिट है? मैं अर्शु, किसकी बैंकिट है? और तो क्यों मारा जी जब? सुन, ये बैंकिट किसकी है अर्शु? पीकू क्यों मार रहे हो? अर्शु खा जाए। खा 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 खा। गंदी बात। सॉरी बोलो जीजा को। टाटी टाटी थोड़ी नहीं है। टिक 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 टिक। नहीं खाना दे दो इसे। ले ले। अंडे तो मैं बोल बज गई है और मैं नहाई नहीं हूँ अभी तक। अभी मैं जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि इतनी देर परी की क्लास चल रही थी तो उसके पास मुझे बैठना पड़ता है और हम आज लेट हो गए उठने में, इसीलिए अभी नहाने जाऊंगी मैं। परी नहा ली, अर्शु नहीं नहाया, अर्शु को सोनू ने नहा देगी बाद में, तो मैं अभी नहाने जा रही हूँ। नहाने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। और जब तक मैं नहा कर आई, अर्शु भी नहा लिया है, सोनू ने उसको नहलाया था। सोनू को अर्शु को नहलाना बहुत अच्छा लगता है, तो वो बोलते सुबह सुबह जल्दी नहा कर आ जाती है नीचे से और बोलती है आंटी प्लीज़ मुझे नहलाने दो अर्शु को। तो मैं उसको बोलती हूँ कि चल ठीक है तू नहला दे, और वो बहुत अच्छे से अर्शु को नहला देती है। उसके पास बिल्कुल नहीं रोता है वो, क्योंकि जब वो बहुत छोटा था ना अर्शु, तब से सोनू के पास रह रहा है तो उसको अच्छे से जानता है। वो बिल्कुल भी नहीं रोता उसके पास, वो पूरा दिन रख लेती है उसको। तो अभी मैं इसकी ऑयल वगैरह मसाज कर देती हूँ, ऑयल से अच्छे से कोकोनट ऑयल लगाऊंगी मैं इसको पूरी बॉडी पे, उसके बाद मैं इसको कपड़े पहना दूंगी। और अर्शु को अभी मैं ब्लू कलर का टी शर्ट पहना रही हूँ, हाफ स्लीव का, जो कि पिछले साल का है। जब पिछले साल में गर्मी आई थी ना, तब भी अर्शु को आ जाता था, क्योंकि अर्शु तब बहुत हेल्दी था, और अभी भी अर्शु को आ जाता है, क्योंकि अभी अर्शु बहुत पतला हो गया है। हेलो, तो नहा लिए हम दोनों, अर्शु बन्ना नहा लिए, मम्मा नहा ली है ना, अच्छू नहा लिए, हाय कर दो चलो। मानी मानी से नहाए हैं हम। हाँ। और खाना खा लिया आपने? हाँ। खाना? हाँ। क्या खाया अर्शु ने? गा। खाना? हाँ। खाना? हाँ। चलो बाय कर दो फिर। अभी क्या करेंगे हम? चाका। अभी निन्नी निन्नी करेगा? मानी 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 किची कर दो चलो मम्मा को, किची कर दो मम्मा को। अरे वाह, बाय कर दो चलो सबको, बाय बाय कर दो, बाय। सोएगा कानू? क्या करेगा? तो अब हम तोएंगे, ठीक है, अब हम तोएंगे, फिर मिलेंगे आपसे वापस। तो कहाँ पे सोऊं? कहाँ पे सोऊं? वहाँ पे सोएगा। ब्लैंकेट कहाँ है आपकी? ब्लैंकेट तो लाओ, ब्लैंकेट लाओ। ब्लैंकेट कहाँ गई? क्या करूँ? हाँ, मोट का क्या करूँ? ऐसे चलाऊँ? मोट से ऐसे चलाऊँ? आप चला दो ऐसी। अरे वाह, क्या हुआ? ऐसे नहीं चल रही, अभी मम्मा चलाएगी, ठीक है। और आज छोले भटूरे बनाए हैं, क्योंकि मम्मी को छोले भटूरे बहुत पसंद है। उन्होंने रात को ही बोल दिया था कि सुबह छोले भटूरे बना लेना, तो अभी हम वही छोले भटूरे बना ले। छोले वगैरह सब बना दिए हैं सुशीला ने, और भटूरे वगैरह थोड़े मैं तल देती हूँ।
और अभी मैं परी के लिए और मेरे लिए डाल रही हूँ क्योंकि मम्मी ने तो खा लिए हैं और मुझे भी भूख लग रही है तो मैं भी खा लेती हूँ। परी के पापा छोले भटूरे नहीं खाएंगे क्योंकि उनको पसंद नहीं है मैदा वगैरह खाना, हमें ही पसंद है बस, तो उनके लिए सिंपल रोटी बना देंगे। और यहाँ पे मैंने परी को बोला कि आप भी मेरे साथ खा लो, लेकिन परी ने बोला कि नहीं मैं दादी सा के रूम में खाऊंगी, तो वो वहीं खाती है अक्सर खाना, तो वो वहीं बैठ के खाएगी, उसको अलग डाल देगी फिर सुशीला। और मुझे लग रही है भूख, तो मैं भी मैं खा लेती हूँ और अर्शु को भी अगर एक दो बाइट खाएगा तो उसे भी खिला देती हूँ। और खाना खाकर और बहुत सारी मस्ती करके हमारा अर्शु सो गया है। 9 बजे उठा था और 12 बजे तक तो वापस भी सो गया है और अपना ब्लैंकेट इसने हाथ में ही पकड़ा हुआ है, इसकी हैबिट है, ये ब्लैंकेट हमेशा इसके साथ रहती है। सो गया, मैं परी को थोड़ा होमवर्क वगैरह करवा देती हूँ, तो वो है दादी सा के रूम में, मैं उसको बुलाती हूँ और फिर उसका होमवर्क वगैरह जो रह गया था वो उसको करवा देती हूँ। परी अभी तक खाना खा रही है? 1 घंटा हो गया तुझे बैठे हुए, चलो आओ फटाफट होमवर्क करवाऊंगी। और दादी सा के रूम में वो इसीलिए खाना खाती है कि उसको टीवी देखने को मिलता है वहाँ, मैं तो बाहर ऑन नहीं करने देती इसको टीवी, लेकिन दादी सा इसके चला के रखते हैं तो ये अपना फेवरेट चैनल लगा के और आराम से बैठ के खाना खाती है। और 2 घंटे में खाना खाया आज इसने, तो अभी इसको कोई अर्थ वगैरह बनाना था तो इसे सर्कल नहीं बन रहा था, तो वही मैं इसकी हेल्प कर रही थी बनाने को। गिर जाएगा नीचे बम। कैसे डांस कर, डांस कर। तो आज की वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। और प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करना कि अर्शु को ध्यान रखो, अर्शु गिर जाएगा, मुझे इसका बहुत अच्छे से ख्याल है और मुझे पता है कि यहाँ डर है, मैं इसीलिए उसको नहीं छोड़ रही हूँ, वो बहुत जिद कर रहा है कि मम्मा मुझे छोड़ दो, लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ रही हूँ, तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करना आप लोग। मैं उसका पूरा ख्याल रखती हूँ और मैं उसे कभी भी अकेला इस बालकनी में नहीं आने देती हूँ, मैं हमेशा डोर को क्लोज करके रखती हूँ। ओके, बाय।